माननीय श्रीमती अंबिका सोनी, माननीय श्रीमती अंबिका सोनी, माननीय श्रीमती अंबिका सोनी, श्री विश्वजीत डेमरे, विश्वजीत डेमरे, इट विल कम, दे विल कॉल यू, प्लीज टेक योर सीट। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आपने मौका दिया। इको जी को जल्दी बुला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मैं इनको पहले नंबर दे दीजिए, बैठे भाई को जी, इसके बाद आप बोलिए। सभापति महोदय कर रहे हैं। चल सर, मैं इस बिल को समर्थन करता हूं और ये बिल मैं सोचता हूं सर, ये समय की आह्वान है, ये अत्यंत जरूरी था इसी समय में, देश के लिए, देश की कानूनी व्यवस्था के लिए, हमारे सार्वभौमत्व के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो हालत लास्ट 5-6 साल वहां पर चलता रहा, ये अधिक माने इतना मतलब खराब एक परिस्थिति में चला गया था जो हमारे नियंत्रण से बाहर जाने माने लगा था सर, तो इसको अगर नियंत्रण में लाना है तो डेफिनेटली जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना जरूरी होता है। और आज यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए व्यवस्था ली है, वो समय की आह्वान है, क्योंकि जब तक वहां पर अभी का जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन से चलते रहेगा तब तक हमारी ये केंद्रीय सरकार के तरफ से वहां में माने कुछ बदलाव लाने के लिए जितना भी कोशिश क्यों ना करे, इसको हम कर नहीं सकता है। इसलिए हमारे संविधान में संशोधन लाना बहुत जरूरी था, और संशोधन लाना ये कोई इलीगल बात नहीं है, ये हमारे संविधान का ही वही व्यवस्था रहा, जब देश के किसी भी समय कुछ भी जरूरत हो गया तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नया आशीष डाल सकता है, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को हम लोग निकाल भी सकता है हमारे देश की अच्छी कानूनी व्यवस्था के लिए। तो ये सिर्फ एक सिस्टम है। अगर मैं सोचता हूं जम्मू कश्मीर में आने वाले 10-15-20 साल में अगर नॉर्मेलसी आ जाएगा, एक विश्वास आ जाएगा, तो यह संविधान संशोधन करके फिर उन लोगों को वापस राज्य की मर्यादा भी दे सकता है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, जो इतना स्ट्रॉन्ग बोल्ट उन लोगों ने डिसीजन लिया इस माने जो 370 है उसको उठाने के लिए और देश के सुरक्षा के लिए वहां पर केंद्रीय शासित राज्य बनाने के लिए, क्योंकि केंद्रीय शासित राज्य होने के नाते हर समय केंद्रीय सरकार की तरफ से वहां के बॉर्डर में जो गतिविधि है उनके बारे में हर समय यहाँ पर पता चलते रहेगा, और इस विषय पर देश के सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ हम लोग स्ट्रेटेजी ले सकता है, तो ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए है। तो इसके साथ मैं गृह मंत्री जी को लेकिन कुछ बातें और दृष्टि में लाना चाहता हूं। इसी तरह हमारे देश में और ऐसा कुछ समस्या है जिसको भी इसी ढंग से देखकर समाधान करने की जरूरत है। सर मैं बताना चाहता हूं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे समुदाय जो पृथक राज्य के मांग करके आ रहा है, और पृथक राज्यों के मांग के बाद वहां के समस्या का समाधान करने के लिए कोई मतलब सिख शेड्यूल के जरिए कुछ वहां पर संविधानिक प्रावधान किया गया है, और इसके बाद भी वहां के लोग संतुष्ट नहीं है, सेपरेट स्टेट के डिमांड कर रहा है। तो हमारे संविधान में सर 244A आर्टिकल है, और जो 244A आर्टिकल में आसाम में जो जनजाति लोग है और जनजाति रहने वाले इलाकाओं को लेके, वहां के शिक्षित इलाकाओं को लेके एक राज्य के अंतर ही ऑटोनोमस स्टेट गठन करने की एक व्यवस्था है सर। तो मैं गृह मंत्री जी को अनुरोध करता हूं कि ये संविधान में जो 244A आर्टिकल है इसको वहां पर लागू करने के लिए भी थोड़ा सा विचार करें। और इसके बाद जो बोडोलैंड, पृथक बोडोलैंड की मांग है सर, वो जो पृथक बोडोलैंड मांग कर रहा है वो भूटान के बॉर्डर में है सर, और जो भूटान है उसके साथ साइना लगा हुआ है डोकलाम में, जो कंक्लूड करें और स्पीकर्स हैं इसमें, सर थोड़ा सा 2 मिनट और, नहीं नहीं आप इस नहीं, बोल लीजिए, इसमें अभी और दो लोग हैं बोलने वाले, सर सिर्फ 3 मिनट है, खत्म करने वाला हूं, सिर्फ एक ही पॉइंट सर, सिर्फ एक ही पॉइंट है, जो बॉर्डर एरिया है भूटान ये साइना के साथ लगा हुआ है, तो वहां पर भी जो पृथक राज्य बोडोलैंड के मांग कर रहा है वहां पर अगर
यूनियन तरी तरी दे सकता है तो वह साइना के जो गोटी भी है जिसको हमारे केंद्रीय सरकार की तरफ से मतलब देखभाल कर सकता है, तो इसको अनुरोध करता हूं। तो इसी तरह कार्बी दिमासा और गोरखा मणिपुर में सर सर ये सब उसके साथ संपर्क है, कॉलिंग के साथ लगा हुआ है।